सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की को-स्टार संजना संघी ने एक बहुत ही खूबसूरत पोस्ट डाला है। हालांकि जब उनके निधन की खबर आई थी तब भी उन्होंने एक वीडियो जो है अपलोड किया था जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा रोती हुई और बिलखती हुई नज़र आ रही थी। वो इस नुकसान को जो है सह नहीं पा रही थी, उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी ये पहली फिल्म है तो जाहिर सी बात है जब सुशांत के साथ उन्होंने काम किया होगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने सीखी होंगी, समझी होंगी सुशांत के साथ रहकर। अब जो है वो एक बहुत ही प्यारा इमोशनल पोस्ट लिखती हैं। जो लोग कह रहे थे कि समय घाव को भर देगा वो झूठ बोल रहे थे। कुछ ऐसा लग रहा है कि घाव ताज़ा हो रहे हैं और खून बह रहा है। वो पल जो हमेशा के लिए यादें बन जाएंगी, हम एक साथ हंसे लेकिन अब फिर कभी ऐसा नहीं होगा। वो आगे लिखती हैं, ऐसे सवाल जिनका जवाब अब मुझे कभी नहीं मिलेगा। मेरा एक ऐसा अविश्वास जो अब बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इन सभी के पीछे एक गिफ्ट है, एक फिल्म है जो अभी लोगों ने देखना बाकी है। हमारे बच्चों की, हमारे देश के बच्चों की शिक्षाएं हो, उनके भविष्य के लिए सपने हो, योजनाएं हो, जो तुम्हारी इच्छाएं थी वो सभी पूरी होंगी। मैं वादा करती हूँ कि इन सपनों को मैं पूरा करने के लिए सब कुछ करूँगी जैसा आप मुझसे चाहते थे। आपने वादा किया था कि हम एक साथ मिलकर जो है इस बारे में काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है वो उनकी को एक्टर है, लेकिन उनका ये कहना है कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि हम देश के बच्चों के भविष्य के लिए मिलकर काम करेंगे, हम कुछ देश के लिए करेंगे। आप नहीं रहे लेकिन मैं वो सपने को ज़रूर पूरा करूँगी, मैं वो सब चीज़ें करूँगी जो आपने मुझे कही थी और मैंने वादा किया था और आप चाहते थे मुझे करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बात साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है अपने को स्टार्स को भी इस बात के लिए इंस्पायर करते थे कि वो देश के लिए कुछ करें, यहाँ के बच्चों के लिए कुछ करें। उनकी 50 ड्रीम्स की लिस्ट में भी शामिल था कि वो बच्चों को नासा ले जाना चाहते थे, कॉस्मोस के बारे में बताना चाहते थे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, माल न्यूट्रिशन पर काम करना चाहते थे, गरीबी पर काम करना चाहते थे। तो अपने को स्टार्स से हमेशा इस बात को लेकर डिस्कस किया करते थे और संजना संघी भी इसी बात को लिख रही हैं और वो इस बात को लेकर परेशान है कि सुशांत नहीं रहे, लेकिन वो वादा करती हैं कि वो उनके सपनों को जो है ज़रूर पूरा करेगी।